नमस्कार, द न्यूज वाला बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। चलिए रुख करते हैं आज के उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का। करण महरा के विवादित बयान के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूड़ी के बयान पर बवाल, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला और कांग्रेस ने किया पलटवार। मनीष खंडूड़ी उत्तराखंडियों पर दिए बयान पर घिर गए हैं, लेकिन अभी भी अपने बयान पर कायम है। जो आरोपी है आपकी बेटी के, आपकी बहन के, प्यारी जो खूनी है, वो आरोपी आप पे हंसते हैं भरे कोर्ट में। तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंड पे थूकता हूं। गढ़वाली नहीं है, पहाड़ी नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, थूकता हूं। जमीन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर खरीद फरोख के मामले में देहरादून के सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया गया है। जमीनों पर मालिकाना हक बदलकर खरीद फरोख के फर्जीवाड़े में देहरादून के सब रजिस्ट्रार के शामिल होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद उन पर शिकंजा कसा गया। गुरुवार को महानिरीक्षक स्टाम्प डॉक्टर अहमद इकबाल ने रामदत्त मिश्र को निलंबित किया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि जेल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 10 दिन के अंदर बोर्ड बनाए जाएं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांगी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रदेश के जिलों में सुविधाओं के अभाव से जुड़ी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। बद्रीनाथ धाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर चौतरफा विरोध। सीएम ने कहा, टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने बद्रीनाथ धाम को लेकर सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का कड़ा विरोध भी किया है। विकिपीडिया खोल के देखिए, आज भी स्पष्ट लिखा है कि बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी तक बौद्ध तीर्थ, बौद्ध मठ था, बौद्ध धर्म था। तो अगर और शंकराचार्य जी ने इस बद्रीनाथ धाम का स्थापना कराया था, तो स्वाभाविक रूप से जब बौद्ध मठ पहले था और आज बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल है, तो बौद्ध मठ को ही तहस नहस करके बनाया गया ना। तो इसीलिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो विवाद का कभी अंत नहीं। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की परीक्षा में बड़ी चूक। मैथ्स के पेपर में पूछे गए लॉ के सवाल, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूटा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गणित के पेपर में पूछ लिए गए लॉ के सवाल, पेपर खोलने पर जब इसका पता चला तो आनन फानन में परीक्षा स्थगित कर उसकी नई तिथि तय कर दी गई है। उत्तराखंड के 75 पुल सुरक्षित नहीं। सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया गया है, जिसके बाद यातायात को रोकने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड की सड़कों पर सफर जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, पुल सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट तो इसी बात की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट को आधार मानते हुए उत्तराखंड सरकार ने इन पुलों में ज्यादा खतरनाक पुलों पर तत्काल ट्रैफिक रोकने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बने 75 पुल सेफ्टी ऑडिट में असुरक्षित पाए गए हैं। IIT रुड़की कॉन्वोकेशन में कुलगीत के साथ दीक्षांत समारोह का शुभारंभ। 1916 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD के कुल 1916 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी, जिसमें 1076 ग्रेजुएट छात्रों को उपाधि भी दी जाएगी। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में VIP अतिथियों के दर्शन से BKTC ने कमाए करीब 92 लाख रुपए। पहली बार ये शुल्क लिया जा रहा है। पहले यात्रा काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में VIP व VVIP श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति VIP श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती थी और निशुल्क प्रसाद भी देती थी, लेकिन अब BKTC 300 रुपए शुल्क ले रही है। दवाई बनाने वाली फैक्ट्री में निर्माण कार्य के नाम पर 7.5 करोड़ की धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में दवाई बनाने की फैक्ट्री में मशीनें, माल सप्लाई के साथ ही इंस्टॉलेशन कार्य करने के नाम पर 7.5 करोड़ यानी कि करीब
7,33,00,000 और 43,000 की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। रकम वापस मांगने पर गाली गलौज करते हुए हत्या की धमकी भी दी गई। जालौर पुलिस ने कारोबारी पति पत्नी और उसके भाई के खिलाफ धोखाधड़ी सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी प्रकार की उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला बुलेटिन। धन्यवाद।